सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। एक्शन एक्शन एक्शन। हाँ, तो मैं उठ चुका हूँ और चाय भी पी ली है मैंने, और आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, करीबन 5:30 बजे। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकले। 5:30 बजे उठ चुका था और कल मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, तो उस वजह से मैं अपने टाइम शेड्यूल को सुधारने के लिए आज अभी थोड़ी देर में ब्लॉग डाल दूंगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ी देर में मेरा ब्लॉग आ जाएगा। तब तक मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी सी एडिट बाकी पड़ी है, तो उसको एडिट करके फिर मैं डाल दूंगा। कि दोस्तों 12 बजे तक डाल दूंगा, या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आएगा थोड़ी देर में ही, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डाल दूंगा। और कल रात की मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़ी है, तो वो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि कल मैं मंदिर गया था और वहाँ पर मंदिर के अंदर शूट नहीं करने दिया, वहाँ गेट तक का पूरा वीडियो पड़ा है मेरे पास, अंदर आरती के टाइम शूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन कभी अलग से शूट करेंगे प्रॉपर प्लान के साथ। तो मैं आपको दिखा दूंगा मंदिर, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है यहाँ का, फलोदी का। तो भाई सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे और अभी के बज रहे 5, तो मैं देख लो क्या कर रहा हूँ, उसको लगाते हैं ऐसे, ठीक है, इसको लगाते हैं यहाँ और इसको डालते हैं इधर, चाय बनाते खराब है, धो लेते हैं। कल लोग आया नहीं था, इसलिए आज सुबह डालेंगे, टाइम शेड्यूल को सही करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो इसलिए कल मैं ब्लॉग डाल नहीं पाया था, तो इसलिए इसको थोड़ी देर में डाल दूंगा, 11-12 बजे तक, समझ रहे हो। तो अब चाय बना लेते हैं, फिर आपको वापस मिलते हैं। ओके दोस्तों, तब तक चाय बनाते हैं। मेरे को चाय बनानी नहीं आती, फिर भी बना रहा हूँ। सेट और अब जा रहा हूँ दादा के घर पे खाना खाने। चमक रहे हो बाबू भैया, तो जल्दी चल के खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, करीबन 2 बज चुके हैं, तो अपन ने टाइम पे खाना नहीं खाया है, समझ रहे हो। तो टाइम पे खाना खा लेते हैं चल के, और जल्दी से जल्दी खाना खा के फिर वापस आते हैं, फिर थोड़ी सी एडिटिंग और बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं। 1-2 क्लिप है, एक ये एक और, तो इसमें कनेक्ट मतलब इंक्लूड करके फिर अपने अपलोड कर देंगे वीडियो को। ओके, तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, खाना भी खा लिया, ऑल सेट है मामला। देसी आदमी के खाया करे, देसी चीज़ें खावे, के खावे देसी। अभी इसने खाऊंगा घर पे जाके, देसी काचर, समझ रहे हो, देसी चीज़ें खाया करे हैं, तो देसी बाडी बढ़िया करे, समझे कि नहीं समझे। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई कल वीडियो नहीं डाल के 7 दिन बीट कर चुका हूँ मैं, मतलब 7 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली है, बाकी मैंने वीडियो कंटिन्यू डाली है। तो अब ये 7 दिन मेरे को कैसे कवर करना है बताऊँ, 1 दिन में 2 वीडियो डालूंगा, तो ऐसी स्कीम बिठानी पड़ेगी कल या परसों के अंदर। अपन एक ऐसा काम करेंगे कि 1 दिन में 2 वीडियो डालेंगे और बढ़िया कंसेप्ट के साथ।
तो पूरी कोशिशों के साथ एक या दो दिन हाईएस्ट, उसके बाद में दो दो वीडियो डालेंगे अपन। ऐसा मैं सिस्टम बिठा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अगर ये सिस्टम बैठ गया तो मैं एक दिन के अंदर दो दो वीडियो डालूँगा 7 दिन तक, समझ रहे हो। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब देखते आगे क्या होता है। बाकी बाहर आए हो एक बार थोड़ी सी हवा के साथ घूम लेते हैं, धूप हो रही है तेज यार पीछे तो। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने वापस घर जाने का प्लान कर लिया है। तो घर जा रहे हैं और खाना पीना कंप्लीट है तो घर जाके थोड़ी देर सो जाएंगे अपलोड करके वीडियो को। तो चलते हैं घर पे और सो जाते हैं मस्त, नींद ले लेते एक दो घंटे, समझ रहे हो ना। धूप देख ही रहे हो आप, राशन की दुकान है ये, इनको किराए पे दी रखी है, ये जितनी भी दुकान है सब इनको किराए पे दे रखी है अपन ने। तो चलते हैं घर पे। आसिम रियाज ने क्या बोल दिया यार भाई को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर तुम्हारा मामला अस्त व्यस्त हो जाएगा। आसिम रियाज तुम अभी बच्चे हो और भाई लेजेंड आदमी है, तुम जानते नहीं हो अभी भाई को, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाता है मामला। ओके तो दोस्तों निकल चुके हैं मंदिर के लिए और जा रहे हैं मंदिर। तो ये कुछ हमारे मंदिर के नज़ारे हैं, करते मन की ऊ शेट बजती गेड़ी डिक्की धमकी ऊ शेट।